الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। क्या तुमने समझ रखा था कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार में पैदा किया था और ये कि तुम्हें हमारी तरफ लौट कर आना नहीं है। وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ बस बाला और बरतर है अल्लाह, हकीकी बादशाह वही है, इसके सिवा कोई मबूद नहीं। वही अरशे बुजुर्ग का मालिक है और जो शख्स अल्लाह के सिवा और मबूद को हाजत रवाई के लिए पुकारता है जिसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं, तो उसके रब के पास उसका हिसाब होना है, जिसका लाजमी नतीजा ये है कि ऐसे काफिर यकीनन फलाह नहीं पाएंगे। और ऐ पैगंबर, तुम दुआ करो कि ऐ रब हमें बख्श दे और हमारे हाल पर रहम फरमा, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है और बेहतर रहम करने वाला है। صدق الله العظيم جزاك الله تعالى جزاك